seen that shit. Hello friends, welcome to JV Knowledge Point. Last video में हमने पढ़ा था types of product कितने होते हैं, average product, marginal product, total product, ये सब हमने last video में पढ़ा था. इस video में आप सीखेंगे कि law of variable proportion क्या होता है. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन समझने के लिए आपको लास्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि बेसिक सारा उसी में ही है. क्योंकि इस लॉ को पढ़ने के लिए आपको ये सब पता होना चाहिए, टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है. सो आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. इसका दूसरा नाम होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, और इसको लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर भी कहते हैं. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमें ये बताता है, जैसे ही हम एक वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज़ करेंगे तो स्टार्टिंग में क्या होगा, हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ होगा. मतलब 20 है तो 40 होगा, न कि 25, 28, डायरेक्ट 40 होगा. मतलब इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ हो रहा है. और उसके बाद क्या होगा, जैसे ही हमने थोड़े और फैक्टर्स वेरिएबल बढ़ाए तो उसके बाद डिक्रीजिंग रेट से हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज़ होगा. जैसे 20 से 40 हुआ था इंक्रीजिंग रेट से, उसके बाद 40 से 45 या 48 ऐसे होगा, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ होगा. पर जैसे ही हमने और ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर्स को अप्लाई किया, फॉर एग्जांपल लेबर को, तो उसके बाद हमारी जो रेट है वो नेगेटिव हो जाएगी. 48 के बाद सीधा वापस 43, 42 ऐसे नेगेटिव में हो जाएगा, रेट जो है नेगेटिव हो जाएगी. सो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यही कहता है कि स्टार्टिंग में टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ होगा, और उसके बाद डिक्रीजिंग रेट से, और उसके बाद रिटर्न्स जो है वो नेगेटिव रेट से इंक्रीज़ होंगे. जैसे ही हम एक एक वेरिएबल बढ़ाते जाएंगे हमारी ये साइकिल चलती जाएगी, पहले इंक्रीजिंग रेट, उसके बाद डिक्रीजिंग रेट, उसके बाद नेगेटिव रेट. यही हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है. जैसा कि आप शेड्यूल में भी देख सकते हैं, जैसे ही हमने क्वांटिटी, लेबर की क्वांटिटी 1 से 2 की, तो टोटल प्रोडक्ट 100 से 210 हुआ. मतलब इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ हुआ, टोटल 110 का फ़र्क पड़ा. पर जैसे ही हमने एक और लेबर बढ़ाया तब भी ज़्यादा फ़र्क नहीं, इंक्रीजिंग रेट से ही हुआ. पर 4, जैसे ही हमने क्वांटिटी 4 की, उसके बाद इसका जो रेट है वो डिक्रीजिंग होने लग गया. जैसे ही हमने 4 से 5 किया, टोटल प्रोडक्ट 440 से 520 हुआ, थोड़ा कम हुआ. मतलब डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया. लेकिन एक पॉइंट के बाद क्या हुआ, वो नेगेटिव होना शुरू हो गया, नेगेटिव रेट होना शुरू हो गई. इसमें जैसे कि क्वांटिटी ऑफ लेबर जैसे 10 है, 10 से हमने 11 किया तो 760 से 740 हो गया. मतलब कम होने लग गया टोटल प्रोडक्ट, नेगेटिव रेट होने लग गई. सो यही हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है. अब हम इस लॉ को डिटेल में समझेंगे. सबसे पहले लॉ को पढ़ने से पहले हमें उसके एजम्पशंस देख लेने चाहिए. सो इस लॉ का एजम्पशंस हैं कुछ. फर्स्ट एजम्पशन है कि ये लॉ शॉर्ट रन में ही काम करता है. एंड सेकंड है, टेक्नोलॉजी जो है इसमें वो अनचेंज्ड रहेगी. टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो ऑब्वियस सी बात है टोटल प्रोडक्ट में फ़र्क पड़ जाएगा, इसलिए टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट रखना पड़ेगा हमें, अनचेंज्ड. और इसमें जो भी फैक्टर्स हैं वो एक फिक्स्ड रहेगा और एक वेरिएबल रहेगा. एंड द लास्ट अजम्पशन इज़ वी कंसिडर ओनली फिजिकल इनपुट्स एंड आउटपुट्स. फिजिकल इनपुट्स और आउटपुट्स देखना है, उसकी क्वालिटी वगैरह का हमें इतना ध्यान नहीं रखना है इसमें. इस लॉ में ओनली फिजिकल आउटपुट्स और इनपुट्स का हम ध्यान रखेंगे, न कि उनके मॉनिटरी टर्म्स या इकोनॉमिक प्रॉफिटेबिलिटी का. अब हम इस लॉ के 3 स्टेजेस को डिटेल में समझेंगे. फर्स्ट लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, सेकेंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, थर्ड लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स. लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स होता है जब हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ हो रहा है. जैसे कि आप शेड्यूल में देख सकते हैं, जैसे ही क्वांटिटी ऑफ लेबर 1 से 2 हुई, फिर 2 से 3 हुई, तो हमारा टोटल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ हो रहा है. 100 से 210, 210 से 330, डायरेक्ट ऐसे बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ हो रहा है. इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स. अब जैसे ही ये हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज़ हो रहा है और हमारा एवरेज प्रोडक्ट भी इंक्रीज़ हो रहा है. सो हम इसको ग्राफ से भी समझ लेते हैं. स्टेज फर्स्ट को, स्टेज फर्स्ट में जैसे ही हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ हो रहा है तो ये मार्जिनल प्रोडक्ट के ऊपर है.
और हमारे जो मार्जिनल प्रोडक्ट की लाइन है वो एवरेज प्रोडक्ट के ऊपर है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी रेट जो है वो इंक्रीजिंग है, इसीलिए यहाँ पे हमारा एमपी एपी से ऊपर है। स्टेज वन में, स्टेज वन में एमपी एपी से ऊपर है क्योंकि हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ हो रहा है। स्टेज फर्स्ट में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हमारा क्वांटिटी ऑफ लेबर बढ़ते हैं धीरे धीरे, तो फिक्स्ड जो हमारा फिक्स्ड फैक्टर है, फॉर एग्जांपल लैंड या मशीन, मशीन जो भी है उसमें जैसे ही हमारे वेरिएबल फैक्टर्स आते हैं तो वो एफिशिएंटली यूज़ करते हैं उस चीज़ को। फॉर एग्जांपल एक मशीन है, उसको उसकी कैपेसिटी है कि उसको 4 लोग ऑपरेट कर रहे हैं तब जाके उसका एफिशिएंट आउटपुट आएगा, और पहले जब 2 जने ऑपरेट कर रहे थे तो उतना एफिशिएंसी नहीं आ रही थी, पर जैसे ही चार जने ऑपरेट कर रहे हैं तो उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो रही है। इसीलिए हमारा ये जो टोटल प्रोडक्ट की ग्राफ लाइन है वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ हो रही है। सो यही रीज़न है हमारा लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स का, कि हम जैसे ही वेरिएबल फैक्टर्स को और बढ़ाते जाते हैं तो हमारा टोटल प्रोडक्ट और ज़्यादा बढ़ता जाता है। जैसा कि शेड्यूल में भी आपने देखा, पहले क्वांटिटी ऑफ लेबर 1 था तो टोटल प्रोडक्ट 100, पर जैसे ही 2 हुआ तो 210 हुआ, जबकि होना तो 200 चाहिए। तो ये 10 इंक्रीज़ इसलिए हुआ क्योंकि हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो रही है और हम हमारे जो लेबर हैं वो इफ़ेक्टिवली काम कर रहे हैं। सो यही रीज़न है हमारे टोटल प्रोडक्ट के इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ होने का। सो यही था हमारा लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। सेकंड आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, या लॉ मतलब से इसे डिमिनिशिंग रिटर्न्स इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ हो रहा है। सबसे पहले हम शेड्यूल में चलते हैं। तो शेड्यूल में आप देख सकते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स कहाँ से स्टार्ट हुए, जब हमारा क्वांटिटी ऑफ लेबर 3 था, लेकिन जैसे ही क्वांटिटी ऑफ लेबर 3 से 4 हुआ हमारे 330 से 440 आ गया। तो यहाँ पे हम मार्जिनल प्रोडक्ट में देख सकते हैं 110 का फ़र्क पड़ा। तो हमारा डिक्रीजिंग रेट यहाँ से स्टार्ट हुआ क्योंकि एक मशीन की कैपेसिटी थी जबकि 3, पर उसमें 4, जैसे ही हमने एक और एडिशनल लेबर डाला तो उसकी एफिशिएंसी बिगड़ने लग गई। जैसा कि मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, एक मशीन है उसकी कैपेसिटी है, अब एग्जांपल लेते हैं 3, 3 जने ऑपरेट कर रहे हैं तब जाके वो इफेक्टिव और एफिशिएंटली यूज़ कर पाएंगे उसको, लेकिन जैसे ही 3 के 4 हुए तो उसमें मिसमैच होना शुरू हो गया, आपस में जो भी झगड़े वगैरह शुरू हो गए। सो इसीलिए हमारा अब जो टोटल प्रोडक्ट है वो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ हो रहा है, उतनी एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली काम नहीं हो पा रहा जितना स्टेज फर्स्ट में था। इसका ग्राफ भी देख लेते हैं। इसमें आप देख सकते हैं स्टेज फर्स्ट जब था तो टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ हो रहा था, उसके बाद थोड़ा बैंड होना स्टार्ट हो गया। F2H आप देख सकते हैं थोड़ा बैंड हो गया है स्टेज टू में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं उस स्टेज फर्स्ट में क्या था, MP AP के ऊपर था क्योंकि हमारा इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है, AP जो है वो MP के ऊपर है क्योंकि यहाँ पे हमारी रेट जो है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गई, डिक्रीजिंग रेट है, इसीलिए यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट ऊपर है और मार्जिनल प्रोडक्ट नीचे है। यानी हम कह सकते हैं एवरेज प्रोडक्ट ज़्यादा है और मार्जिनल प्रोडक्ट कम है। एंड द लास्ट इज़ लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। नेगेटिव रिटर्न्स इसलिए हम वेरिएबल इनपुट को इतना बढ़ा देते हैं कि हमारा वो जो टोटल प्रोडक्ट है वो नेगेटिव रिटर्न्स देने लग जाता है, मतलब टोटल प्रोडक्ट कम होना स्टार्ट हो जाता है। इसका ग्राफ में आप देख सकते हैं जब लेबर 10 है उसके बाद भी उसको इंक्रीज़ किया जा रहा है 10 से 11, तो हमारा टोटल प्रोडक्ट कम होना स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू, क्योंकि इतना ज़्यादा लेबर हो जाते हैं कि वो उसमें फिट ही नहीं हो पाते लैंड में। फॉर एग्जांपल फिक्स्ड फैक्टर है लैंड, उसमें एक फिक्स्ड कैपेसिटी होती है 10 जने काम करेंगे, लेकिन 10 के 11 होते ही वहाँ पे आपस में इतना कन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाता है कि टोटल प्रोडक्ट कम होना स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि आप ग्राफ में भी देख सकते हैं पॉइंट एच, उसके बाद टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया और यहाँ पे हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव में चला गया ड्यू टू नेगेटिव रिटर्न्स। सो यही हमारे 3 स्टेजेस हैं, स्टेज फर्स्ट, स्टेज टू, स्टेज थ्री। इसको एक बार ब्रीफ में कंक्लूड कर लेते हैं ग्राफ से। जब स्टेज फर्स्ट है तो हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ हो रहा है और हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से ज़्यादा है स्टेज फर्स्ट में। और सेकेंड स्टेज में क्या होता है,
हमारा एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट से ज़्यादा है और हमारा जो टोटल प्रोडक्ट की लाइन है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है डिक्रीजिंग रेट, इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है डिक्रीजिंग रेट से, क्योंकि आप देख सकते हैं पॉइंट एफ के बाद हल्का सा ये जो कर्व है टोटल प्रोडक्ट का वो बेंड होना स्टार्ट हो गया है, और स्टेज थ्री में टोटल प्रोडक्ट डाउन होना स्टार्ट हो गया, पूरी तरह से बैंड हो गया ड्यू टू नेगेटिव रिटर्न्स, क्योंकि वहाँ पे वेरिएबल फैक्टर इतने बढ़ा दिए कि अब उसमें लैंड में जगह ही नहीं है काम करने की। तो यही तीन स्टेजेस हैं, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स और लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स।